एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग हो? आप सब लोग ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है? दोनों टीम्स के बीच में कंपैरिजन होगी. मोस्टली मैंने सोचा है कि मैं थर्सडे को कंपैरिजन वीडियो करूँगी. देखेंगे कौन कौन से कंपैरिजन करने मिलते हैं. तो ये सबसे पहला कंपैरिजन वीडियो इस साल का होगा मेरा गार्नियर और पॉन्स बीबी क्रीम के, मतलब बीबी क्रीम के कंपैरिजन के लिए. तो शुरू करते हैं वीडियो. उसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना पड़ेगा. सब कुछ फ्री है यारो, कर लो. तो चलिए स्टार्ट कर लो सब कुछ करना साइड बाय साइड. तो कंपैरिजन करने की जब बारी आती है तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उस पर कंपैरिजन होनी चाहिए. तो सबसे पहले पैकेजिंग होता है. पैकेजिंग की बात करेंगे तो पॉन्ड्स भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, पिंकिश है, गर्लिश है. तो आई लव द पैकेजिंग ऑफ दिस, मतलब आउटसाइड कार्टन ऑल्सो. अंदर भी देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, कैसे कैसे है. तो ये रहा पॉन्ड्स बीबी क्यूटी बेबी, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन. और ये रहा गार्नियर बेबी. तो गार्नियर बेबी, बीबी के लिए मैं बेबी बोलूँगी, तो गार्नियर बेबी और पॉन्ड्स बेबी. तो दोनों में पैकेजिंग वाइज ये अच्छा दिख रहा है दिखने में भी. और एक बात कि क्या बोलते हैं, ईज वाइज या क्या बोल सकते हैं इसको, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है यूज़ करने के लिए. अगर आप देखोगे तो पॉन्ड्स बीबी ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इसको नॉजल है और इसको नहीं है. बात करते हैं प्राइस और इसका नेट कंटेंट. नेट कंटेंट दोनों का है 9 ग्राम. दोनों ही 9 ग्राम के ट्यूब्स हैं मेरे पास. तो इमीजिएटली आपको फ़र्क पता चलेगा कि प्राइस डिफरेंस क्या है. ये है 69 रुपीज़, मतलब 70. ये है 89 रुपीज़, मतलब 90. तो 20 रुपीज़ ज़्यादा है पॉन्ड्स बीबी, नॉट मच. बट कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये अफोर्डेबल लगेगा ना आपको कि हाँ यार 70 रुपये है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार ट्राई करते हैं, है ना. गार्नियर इज अफोर्डेबल दैन पॉन्ड्स बीबी क्रीम. तो गार्नियर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेगा. दोनों एक एक पॉइंट पे है. नेक्स्ट पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स का. इंग्रेडिएंट वाइज बात करोगे तो दोनों में पैराबेंस नहीं है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसका शोकेस किया जाता है. तो इसमें बताया गया है कि इसमें है विटामिन सी, एलमंड एक्सट्रैक्ट एंड मिनरल फॉर ब्राइटनिंग. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सनस्क्रीन का. तो सनस्क्रीन लोशन दोनों में है, मतलब सनस्क्रीन मतलब SPF दोनों में है. SPF इसमें 24 PA++ है और इसमें SPF है 30 PA++. नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स्चर की. टेक्स्चर की अगर बात करेंगे तो ये है पॉन्ड्स बीबी का टेक्स्चर. इट्स थिक, नॉट वेरी थिक बट थोड़ा सा थिक. और जहाँ तक गार्नियर की बात आती है तो ये है गार्नियर का टेक्स्चर, कंसिस्टेंसी जो भी आप कहो. तो ये रहे दोनों के टेक्स्चर एंड कंसिस्टेंसी. इसको आप अगर ऐसे करने की कोशिश करो तो काफ़ी क्रीमी है, क्रीमी सब्सटेंस दिखता है इसमें. और इसको आप वाओ, इट्स सो लिक्विडी, मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा लगेगा. अभी विंटर्स में यू शुड गो फॉर गार्नियर बीबी क्रीम बिकॉज इट्स लिक्विडी, आई फील, इवन दो यू हैव ऑयली स्किन. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा लिक्विड कंटेंट है इज गुड फॉर स्किन. तो आई लव द, मतलब हाथ पे ही मुझे इसका एप्लीकेशन अच्छा लगा, फेस पे तो बहुत अच्छा लगेगा. तो ऑब्वियसली टेक्स्चर वाइज मैं ज़्यादा बायस्ड हूँ गार्नियर के लिए बिकॉज इट्स बिट हाइड्रेटिंग. स्टेइंग पावर की बात करेंगे तो दोनों 3 से 4 घंटे तक रहेगी. उसके बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा पॉन्ड्स बीबी क्रीम, या फिर आप लगा सकते हो कोई भी कॉम्पैक्ट, आप प्री टचअप कर सकते हो कॉम्पैक्ट से. पर 3 से 4 घंटे के ऊपर ये नहीं रहेगा बीबी क्रीम, बहुत लाइट होता है बीबी क्रीम. सो बेटर टू रीअप्लाई या जस्ट टचअप विथ कॉम्पैक्ट. बात करते हैं एप्लीकेशन कवरेज और फिनिश की. एप्लीकेशन और कवरेज दोनों का सिमिलर है जैसे आपने डेमो में देखा. फिनिश वाइज जैसे मैंने कहा मुझे गार्नियर ज़्यादा पसंद आया. पॉन्ड्स में थोड़ा सा वाइट कास्ट दिखता है, गार्नियर में ज़्यादा नहीं है. गार्नियर लुक्स मोर नेचुरल, मोर नाइस एंड मोर हाइड्रेटिंग दैन पॉन्ड्स बीबी क्रीम जब कंपेयर करो तो आई लव्ड गार्नियर फॉर दैट रीज़न. तो ओवरऑल मुझे बीबी क्रीम पसंद आया गार्नियर का जब मैं कंपेयर कर रही हूँ पॉन्ड्स का. वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पॉन्ड्स बीबी क्रीम ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मोस्टली इतना वेल नोन है ना कि बीबी क्रीम कहते हैं यूजुअली लोग कहते हैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम. तो मेरे पास भी पॉन्ड्स बीबी क्रीम है
हमेशा रहता है तो, लेकिन मुझे गार्नियर पसंद आया एक्चुअली जब मैंने कंपेयर किया। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली गार्नियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पॉन्ड्स के कंपैरिजन में, तो आप ट्राई कर लो और देख लो अगर आपको सूट होता है, क्योंकि दोनों में शेड्स एक एक ही अवेलेबल है। तो जो शेड आपको ज़्यादा नेचुरल दिखता है, पॉन्ड्स का नेचुरल लगता है या गार्नियर का नेचुरल लगता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। बाकी फैक्टर्स भी है जो गार्नियर के अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई फर्स्ट गार्नियर बीबी क्रीम एंड इफ इट इज़ नॉट सुटेबल टू यू तो आप पॉन्ड्स बीबी या कोई और बीबी क्रीम ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा मेरा कंपैरिजन वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ये चैनल और मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में। और फिर हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको आपका ख्याल रखना है, फिर से मिलना है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।